बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का सारांश जाने थे और श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय जाने थे, और आज के वीडियो में हम इस कविता का विस्तार से भावार्थ जानेंगे, जिसमें कवि कहते हैं कि वो शहर से इलाहाबाद से ट्रेन से चंद्रगहना गांव किसी कार्यवश आया हूँ। यहाँ से काम पूरा होने के बाद वापस मैं शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन गांव के हॉल्ट पर ट्रेन बहुत लेट है। इसलिए वो कहते हैं कि चंद्रगहना गांव तो बहुत देख लिया, अब खेतों के किनारे मेड़ पर अर्थात दो खेतों को बांटने वाले ऊंचे स्थान पर बैठकर अब गांव के प्रकृति के सुंदरता का आनंद उठाता हूँ। अब हम सर्वप्रथम इसके प्रथम छंद को जान लेते हैं, जिसका प्रथम लाइन है, देख आया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेले। इसमें कवि कहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और दो खेतों के बीच बैठ करके प्रकृति की सुंदरता का लाभ उठाता हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इसमें कवि कहते हैं कि सभी पौधों का जो है कवि इसमें मानवीकरण करते हुए उनके आपस में अटूट बंधन बताते हैं। इसका एक सजीला उदाहरण वो देते हुए कहते हैं कि एक बीते अर्थात लगभग एक फीट की लंबाई वाला यह हरा चने का पौधा खेतों के बीच लहलहा रहा है। चने के पौधों पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा माथे पर गुलाबी फूल लगा हुआ पगड़ी पहनकर सज धज करके दुल्हन के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। बच्चों, पहले छंद के पहले 8 पंक्तियों में कवि ठिगने चने के हरे पौधे को सजी धजी दूल्हे के रूप में मानवीकरण किए हैं, और अब इस दूसरे छंद के इन 6 पंक्तियों में कवि अलसी के पौधे को दुल्हन के रूप में चित्रित करते हैं। तो अब हम दूसरे छंद के पहले 3 पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, तेह की पतली कमर की है लचीली। इसमें कवि कहते हैं कि ठिगने चने के पौधे के पास ही हिल मिलकर यानी मिलजुल कर अलसी का पौधा खड़ी है, जो स्वभाव से जिद्दी है और शरीर से दुबली पतली है, और दुबली पतली होने के कारण इसकी कमर भी पतली है। फलस्वरूप यह जबरदस्ती अपना स्थान चने के पौधों के बीच बना रही है। फिर अंतिम 3 पंक्ति है बच्चों, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दु हृदय का दान उसको। इन पंक्तियों का भावार्थ है बच्चों, अलसी पौधे के माथे पर नीले रंग का फूल खिले हुए हैं, जिसे पकड़कर वह कह रही है कि जो भी मेरे इस फूल रूपी प्रेम की गुलदस्ता को स्वीकार करेगा वो उस पर अपना दिल अर्थात हार्दिक प्रेम न्योछावर करेगी, यानी लुटाने के लिए तैयार है। बच्चों, अब हम कविता के तीसरे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल जी सरसों की पौधों की विशेषता बताते हुए उसका मानकीकरण किए हैं, जिसका प्रथम 2 लाइन है, और सरसों की न पूछो
हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। इन पंक्तियों में कवि ने खेतों के प्राकृतिक सुंदर की तुलना विवाह के मंडप से की है। चने रूपी दुल्हे एवं अलसी रूपी दुल्हन के पौधों के सौंदर्य के बीच सरसों की पौधों की बात और ही निराली है। सरसों के पौधे सभी पौधों में परिपक्व और सालीन लग रही है, क्योंकि उनके ऊपर पीले पीले फूल भी खिल गए हैं। ये पीले फूल सरसों के पौधों पर इस तरह शोभायमान हो रहा है मानो कोई नई नवेली दुल्हन हाथों में पीली मेहंदी रचाकर खेत रूपी विवाह के मंडप में ब्याह रचाने आई हो। अंतिम दो पंक्ति हैं बच्चों, फाग गात मास फागुन आ गया है आज जैसे। इन पंक्तियों में कवि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कह रहे हैं कि मानो फागुन का महीना अपने आप ही फाग अर्थात होली का गाना गाते हुए इस स्वर्णिम अवसर पर पहुंच गए हों। बच्चों, अब हम कविता के चौथे छंद को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को जानेंगे, जिसमें कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता की तुलना शहर के स्वार्थी जीवन से किए हैं। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। उनका कहना है कि चारों तरफ सुनसान होते हुए भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई स्वयंवर चल रहा है। सभी सज धज के खड़े हैं और मंडप भी सजा हुआ है। कन्याएं सजकर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही है। यहाँ लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधों को संबोधित किया गया है, जबकि दूल्हे से चने के पौधे को संबोधित किया गया है। ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर भी प्रेम की भावना जागने लगती है। और फिर अंतिम पंक्ति है बच्चों, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसमें कवि कहते हैं कि व्यापारिक नगर अर्थात शहर से दूर प्रेम की यह भूमि अर्थात गांव अधिक उपजाऊ है। अर्थात शहर में कंक्रीट के इमारतों में रहने वाले लोग कंक्रीट के तरह ही कठोर एवं स्वार्थी हो जाते हैं, जबकि गांवों के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति एवं निस्वार्थ प्रेम होता है। बच्चों, अब हम कविता के पांचवें छंद को पढ़ेंगे एवं उसके भावार्थ को जानेंगे। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ महान कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के चंद्रगहना से लौटती वेर कविता से संकलित है। इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूरज की रोशनी के प्रभाव का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किए हैं। खेत के मेड़ पर जहाँ वे बैठे हैं, वहीं पर उनके पैरों के नीचे एक तालाब है जिसमें हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही तालाब के किनारे उगे हरे हरे घासों का प्रतिबिंब नीले आकाश के नीचे जल में हवाओं के लहरों के साथ हिलने के कारण भूरे प्रतीत हो रहे हैं। और अंतिम चार पंक्तियां बच्चों,
एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता, है कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब तालाब के जल में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो परावर्तित होकर जल पे एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देती है, जो निरंतर चमकने के कारण आँखों को विस्मित कर रही है। दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं जो चुपचाप पानी पी रहे हैं, परंतु न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। यह कविता छंदों में नहीं बटी हुई थी, मगर आपकी सुविधा के लिए हम इस कविता को 9 छंदों में बांट दिए हैं, जिसमें से पहले से 5वें तक हम आज पढ़े हैं और 6ठे से अंतिम तक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।